अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट माय नेम इज़ रेहान खुर्शीद योर मैथ्स टीचर टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट वन ऑफ क्लास टेंथ नंबर टू थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास शो दैट द इक्वेशन एक्स स्केर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्केयर टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ़ सी स्केयर टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्केय ये चीज़ हमें शो करनी है कि एक्सकेयर प्लस ये जो हमें इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन के रूट्स बराबर होंगे अगर सी स्केयर बराबर हो ए स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर के तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें कन्वर्ट करेंगे उसके लिए पहले हमें ये स्क्वेयर को ओपन करना पड़ेगा एक्सक्यर वैसे ही रहेगा ए प्लस बी हो स्केयर का यहाँ फार्मूला यूज़ किया जाएगा ए स्क्यर ठीक है दोनों का स्क्यर हो जाएगा एम का स्क्यर भी और एक्स का स्क्यर भी प्लस बी स्क्यर मतलब सेकेंड वाली का स्क्यर प्लस टू फार्मूले का एम एक्स पहली टर्म और सी दूसरी टर्म ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया ए स्केयर प्लस वी स्क्यर प्लस टू ए बी वाला और राइट साइड हमारी ए स्केयर वैसे ही रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे एक्स स्क्र वाली जो हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे ये इकट्ठी हैं तो इनमें से एक्स स्क्र कॉमन आता है यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन चला जाएगा बचेगा वन और यहाँ पर एक्स स्क्र जब कॉमन चला जाएगा तो बचेगा एम स्क्वेयर तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एम सी एक्स ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू एम सी एक्स आ जाएगा हमारे पास और C जो है वो हम अलग कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है और ए स्केयर जो है वो राइट right साइड से लेफ़्ट साइड पर आके के माइनस ए हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक्स स्क्र का कोफिशेंट है वन प्लस एम स्क्यर तो इसका नाम हुआ एक्स का कोफिशेंट है टू एम सी तो ये हमारा हो गया b और हमारी कांस्टेंट टर्म है सी स्केयर माइनस ए स्केयर तो ये हमारा हो गया c अब डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला बी स्केयर माइनस फोर ए सी वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे b की जगह पर b की वैल्यू टू एम सी हो स्क्यर माइनस फोर फार्मूले का a की जगह पर a की वैल्यू वन प्लस एम स्क्यर और c की जगह पे c की वैल्यू सी स्क्वेयर माइनस ए अब इसका स्क्वेयर सबसे पहले ओपन करेंगे टू का स्क्वेयर हो जाएगा फोर और एम का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और सी का भी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा माइनस फोर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसको हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर से तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फोर वैसे ही बाहर वन को सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सी स्क्यर वन को माइनस ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे भी से, फिर से वही आएगा माइनस ए स्क्वेयर फिर एम स्क्वेयर को सी स्क्यर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एम स्क्यर सी स्क्वेयर फिर एम स्क्वेयर को ए स्क्वेयर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एम स्क्यर ए और साथ में माइनस आएगा क्यों प्लस माइनस माइनस आता है हमारे पास अब माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर सी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस फोर सी स्क्वेयर माइनस फोर माइनस ए स्क्यर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस फोर ए स्क्यर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास इसी तरह माइनस फोर को एम स्केयर सी स्वेयर से करेंगे तो माइनस फोर एम स्क्यर सी स्केयर इसी तरह माइनस फोर को हम एम स्केयर ए स्केयर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फोर एम स्केयर ए स्केयर तो ये हमारे पास माइनस फोर एम स्केयर सी स्केयर माइनस प्लस फोर एम स्केयर सी स्केयर से कट जाएगा और ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी उसके बाद हमें क्या दिया गया था कि रूट्स इक्वल होंगे तो ये कंडीशन लाजमी पूरी होगी तो हमने क्या किया रूट्स को इक्वल माना तो रूट्स जो हैं अगर इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है तो लेफ़्ट साइड हमारी क्या हो गई ज़ीरो हो गई तो ये यहाँ पर अब हम देखेंगे के माइनस वाली वैल्यू पहले हम माइनस फोर सी स्केयर उधर ले जाते हैं चाहे तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं यहाँ पर हम फोर कॉमन भी ले सकते थे चले कोई नहीं हमने पहले माइनस वाली को उधर ले गए उसके बाद हमने यहाँ से दोनों में से फोर कॉमन ले लिया फोर भी कॉमन आता है इनमें से और ए स्केयर भी कॉमन आता है तो ये दोनों कॉमन ले लिए फोर ए स्केयर कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा वन यहाँ से फोर ए स्केयर कॉमन चला गया तो बचा बचा एम स्केयर ठीक है फोर हमारा फ़ोर से कट गया और हमारे पास आ गया सी स्केर इ स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी जो हमें लानी थी इस तरह ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि रूट्स बराबर होंगे अगर ये कंडीशन हमारे पास मौजूद हो तो अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें कहता है फाइंड द कंडीशन अब वो कंडीशन फाइंड करके देनी है सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी होल स्केयर माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल ऐसी कंडीशन फाइंड करके देनी है कि रूट्स हमारे जो हों वो इक्वल हों तो उसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को नीचे रिपीट लिखेंगे एम एक्स प्लस सी होल स्क्र माइनस फोर एक्स इजिक्वल्स टू जीरो तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर करेंगे जिसके लिए हमें इसका फार्मूला ओपन करना पड़ेगा फार्मूला फिर से वही ओपन होगा ए प्लस बी होल स्क्र का तो फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर एम स्क्यर एक्स स्क्र प्लस सेकेंड टर्म का स्क्यर सी स्क्वेयर प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म एम एक्स और सेकेंड टर्म सी और माइनस फोर एक्स वैसे ही आ जाएगा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम एक्स स्क् एम स्क्वेयर एक्स स्क्र वैसे ही रहेगा सी स्क्वेयर भी वैसे ही रहेगा टू एम सी एक्स बन जाएगा माइनस फोर ए एक्स तो अब हम देखेंगे एक्स वाली हमारे पास दो हैं तो इन दोनों में से हम एक्स कॉमन ले लेंगे ठीक है एम स्क्र एक्स स्क्र वैसे ही है तो यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो आ जाएगा टू एम सी माइनस फोर ए प्लस सी स्क्यर वैसे ही तो यहाँ पर ए हमारा एक्स का एक्सक्यर का ऑप्शन होता है वो आ एम स्क्यर और बी हमारा जो होता है वो एक्स का ऑप्शन होता है वो है टू एम सी माइनस फोर ए तो टू एम सी माइनस फोर ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर टू दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से टू चला जाएगा तो एम सी बचेगा माइनस यहाँ से टू कॉमन लिया जाए तो टू टूज और फोर तो यहाँ टू ए बचेगा ठीक है आप बी में ये भी यूज़ कर सकते हैं ये आपके लिए ईजी रहेगा c आपके पास कॉन्सटेंट टर्म होती है कॉन्सटेंट टर्म है आपके पास सी स्क्यर तो c की जगह आ जाएगा सी स्क्यर अब फार्मूला यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्यर माइनस फोर ए सी तो b हमारे पास है टू इंटू एम सी माइनस टू ए वो हमने लिखा और उसका होल स्क्र कर दिया माइनस फोर फॉर्मूले का a की जगह पर a की वैल्यू एम स्क्वेयर और c की जगह c की वैल्यू सी स्क्वेयर तो यहाँ पर अब स्क्वेयर ओपन करेंगे टू का स्क्यर हमारे पास हो जाएगा फोर और इसके ऊपर हमारा स्केयर आ जाएगा अब ये फार्मूला हम नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे माइनस फोर एम स्केयर सी स्केयर यह आपस में मल्टीप्लाई होकर इकट्ठे हो जाएंगे अब ये फार्मूला हमने ओपन करना है फोर ऐसे ही रहेगा ठीक है तो फर्स्ट टर्म का स्केयर एम स्केयर सी स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर टू का स्केयर हो गया फोर और ए का स्केयर ऊपर वैसे ही माइनस टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म एम सी सेकेंड टर्म तो टू वे ठीक है माइनस फोर एम स्केयर सी स्केयर वैसे ही तो अब हम फोर को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ साथ इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो तीन टर्म्स हैं हमारे पास अब देखिए फोर को एम स्क्यर सी स्केयर से करें तो आएगा फोर एम स्क्यर सी स्क्यर फोर को फोर टाइम्स फोर ए स्क्वेयर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सिक्सटीन ए स्क्वेयर फोर फोर सिक्सटीन ए स्क्वेयर और उसके बाद माइनस टू को जब हम इस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर और माइनस फोर को जब बाहर वाले फ़ोर से किया जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस सिक्सटीन और एम सी और ए साथ में आ जाएंगे माइनस फोर एम स्केयर सी स्केयर वैसे ही आ जाएगा ये माइनस फोर एम स्केयर सी स्केयर प्लस फोर एम स्केयर सी स्केयर से कट जाएगा हमारे पास बचेगा सिक्सटीन ए स्केयर माइनस सिक्सटीन एम सी ए तो अब हमें क्या गिवन था कि रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो हमने क्या किया डिस्क्रिमिनेंट को इक्व टू जीरो पुट कर दिया जैसे हम पिछले सवालों में भी करते आए हैं तो ये आ गया हमारे पास जीरो इज इक्वल्स टू सिक्सटीन ए इसके माइनस सिक्सटी एम सी ए तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले हमारे पास कोई चीज़ अगर कॉमन आती है वो कॉमन लेंगे यहाँ सिक्सटीन कॉमन आता है और साथ में एक ए हमारे पास कॉमन आता है तो सिक्सटीन ए हम कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा सिर्फ ए माइनस वैसे ही यहाँ से भी ए चला जाएगा तो बचेगा एम सी ठीक है सिक्सटीन ए दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा डिवाइड होकर ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस एम सी इज़ इक्वल टू जीरो तो यहाँ से एम सी को हम दूसरी तरफ भेजेंगे एम सी इज इक्वल टू ए हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी जिसके मुताबिक रूट्स जो हैं वो हमारे इक्वल होते हैं अगर ऐसी कंडीशन हो तो